हाय दोस्तों, नमस्ते। देखो, आज मैं बना रही हूँ पालक, बैंगन, आलू, और ये होममेड बड़ी है, तो इसकी मैं चटपटी सी बहुत ही टेस्टी सब्जी बना रही हूँ। तो उसके लिए टमाटर, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च ये चाहिए, और सभी को हम अच्छी तरह से अभी हम कट कर लेंगे। तो ये पालक जो रह रहा था, पालक कट ली, प्याज, टमाटर, लहसुन और मिर्ची को मैं दरदरा कूट ली हूँ। तो अब रेडी करते हैं हम सब्जी बनाना। तो सबसे पहले मैं ये जो बड़ी है, हम बड़ी ही बोलते हैं, होममेड बड़ी घर में मम्मी लोग जो बनाती है ये है, इसमें उड़द वाली बड़ी है। तो सबको हम थोड़ा सा लाल करके, तेल में थोड़ा लाल करके इसको तल कर निकाल लेंगे। और इसकी ये टिप्स है ना, जल्दी सॉफ्ट हो जाए इसके लिए मैं गर्म पानी में, एक बर्तन में गर्म पानी में निकाल कर उसको थोड़ी देर के लिए उसमें भिगो के रख देंगे। और फिर से तेल लेंगे, और उसके बाद इसमें हम पचफूटन जो बोलते हैं, मैंने उसका तड़का लगाया है, अच्छा टेस्ट आ जाता है इससे। बैंगन आलू किसी भी चीज़ की सब्जी हो ना, तो मैं ज़्यादातर इसी का तड़का लगाती हूँ, तो अच्छा लगता है। तो इस टाइम पे लहसुन डाल दी, और कूटी हुई जो मिर्च थी, हरी मिर्च वो डाली हूँ, और प्याज, तो इसको डालकर मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। दो तीन बार ही भूनेंगे, और साथ ही साथ मैं इसमें बैंगन और आलू जो था उसे भी डाल दूँगी, क्योंकि इनको भी भूनना है हमें, और उसी में वो प्याज लहसुन भी अच्छी तरह से और भून जाएगा। तो ये ढक ढक कर मैं अभी इसको भूनूंगी, क्योंकि आज मैं कढ़ाई में बना रही हूँ, और कढ़ाई में पालक भी है, इसलिए मैं कढ़ाई में बना रही हूँ, क्योंकि पालक का सारा पोषक तत्व नष्ट ना हो जाए, तो कढ़ाई में भी कभी कभी अच्छा लगता है सब्जी। तो इसको ढक ढक के पकाएंगे, थोड़ा टाइम लगता है, पर सिम आँच पे मैं ढक ढक कर रही थी, तो अच्छी तरह से ये पक जाता है। तो इसी टाइम पे थोड़ा सा वो बैंगन आलू पक गया था, फिर इसी टाइम पे मैं टमाटर डाल दी, पालक डाल दी, टमाटर डाल दी, और हल्दी में हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, और थोड़ा सा चिकन मसाला पाउडर आप डाल दो, और नमक भी डाल दी थी ताकि जल्दी ये सॉफ्ट हो जाए, इसलिए मैं पहले ही थोड़ा सा नमक डाल चुकी थी। और बस इसको ढक्कन लगा लगा कर थोड़ा आप ढक ढक कर पकाएँ, ढक ढक कर बीच बीच में चलाते रहें, पकाएँ। और इसमें मैं पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करी हूँ, वो सब्जी जितनी है, सब्जी जो पानी छोड़ रहा उसी से ये पकेगा, और उसी से ही बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। मैंने बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं किया है, ढक ढक कर पका रही हूँ, और उसी में ही ये पक रहा है। तो देखिए, भुन कर इतनी अच्छी तरह से हमारा आलू भी पक चुका है, और बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी थी। और बस रेडी है मेरी सब्जी ये, और इसमें हरी धनिया डालकर अब मैं गैस कर दूँगी बंद, और सब्जी मेरी रेडी है। और ये पराठों के साथ, चावल के साथ, किसी के साथ भी खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है ये सब्जी। तो पालक की इस टाइप की मिक्स सब्जी थी जो मुझे अच्छी लगती है, मैंने वो शेयर की। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना और बनाना ट्राई करना। बाय बाय।